हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहोन टेल्स। आज मैं आया हूँ स्टारबक्स जापान। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जापान के बारे में। आप में से जो भी लोग बाहर पढ़ाई के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्यों जापान में आना चाहिए, इस बारे में आज बात करते हैं। मैंने अपने लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो एक एक करके मैं पॉइंट्स बताऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि जापान में ऐसा क्या खास बात है जो बाकी दूसरे देश में उतना नहीं है। पॉइंट नंबर वन, सेफ्टी। अगर आप विदेश में जाके बिल्कुल सेफ महसूस करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जापान से अच्छा देश आपको शायद कहीं और पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सेफ्टी के मामले में जापान बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है और बहुत ही अच्छा सेफ कंट्री माना जाता है जापान को। बिना किसी डर के आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी टाइम पे जा सकते हो। रोड पे एक्सीडेंट वगैरह भी बिल्कुल नहीं होता है, क्राइम रेट भी बिल्कुल लो है जापान में। या फिर कोई अपने पास बंदूक नहीं रख सकता, तो इस हिसाब से भी जापान एक बहुत ही बढ़िया जगह है और इधर क्राइम रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सेफ्टी के मामले में जापान तो बहुत ही अच्छा देश है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर आप अपने देश में ट्रेन की लेट की वजह से परेशान हो चुके हो, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि जापान में ट्रेन एक सेकंड के लिए भी लेट नहीं होता। मैं यहाँ पे लगभग 1 साल 8 महीने से रह रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि जापान की ट्रेन जो है वो एक सेकंड भी लेट होता है। बिल्कुल लेट नहीं होता, एकदम टाइम पे आ जाता है और ट्रेन का जो फेयर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो इस हिसाब से तो ये और भी अच्छी बात है। तीसरा जो पॉइंट का बात मैं करना चाहूँगा वो है इनकम सिक्योरिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप विदेश में जाएंगे और आपके पास काम होगा, पैसे की कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप जापान को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपको यहाँ पे काम मिलेगा ही मिलेगा। आपको अगर जापानीज़ लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है, तो आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे से जॉब कर सकते हो और एक अच्छा खासा ऐसा इनकम कर सकते हो। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जापान एक बहुत ही अच्छा देश है। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की। चौथे नंबर जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो है कॉन्वीनियंस। जापान एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्वीनियंट कंट्री है। इसका कारण ये है कि क्योंकि जापान एक छोटा देश है, इसका एरिया उतना ज़्यादा नहीं है। हमारा देश का तो एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जापान का एरिया इतना बड़ा नहीं है। तो इसीलिए इस छोटा सा देश में ये लोग जापान इतना खूबसूरत से प्लानिंग करके बनाया हुआ एक देश है। इसकी हर जगह पे आपको जो वेंडिंग मशीन है, वो वेंडिंग मशीन आपको हर 100 मीटर या फिर 200 मीटर या फिर 50 मीटर पे भी करके इस पे गए पे आपको वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगा। वेंडिंग मशीन में आप लोगों को मिलेगा कॉफ़ी से लेकर, पानी से लेकर, जो भी पीने का चीज़ होता है वो सब आपको वेंडिंग मशीन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को सिगरेट पीना है तो सिगरेट भी आप लोगों को वेंडिंग मशीन से मिल जाएगा। आपको बेंटो चाहिए, बेंटो भी आपको वेंडिंग मशीन से मिल जाएगा। और बाकी सारा जो भी खाने का आइटम होता है, तो वो सब आपको वेंडिंग मशीन से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप जापान में कहीं पर भी रहोगे, उसके आसपास 200 मीटर या 400 मीटर के अंदर एक बढ़िया सा सुपर ज़रूर होगा। आपके लिए शॉपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शॉपिंग मॉल और जी दो हम्बाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसका वेंडिंग मशीन, ये शॉपिंग मॉल और वेंडिंग मशीन को छोड़ के जापान की हर 100 मीटर या फिर 200 मीटर पे एक कन्वीनियंस स्टोर जरूर होगा, जहाँ पे आपको हर दिन चाहिए ऐसा हर एक सामान आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है करप्शन। आप अपने देश में सोच के देखो कितना करप्शन है। जैसे कि इंडिया में करप्शन का तो आप लोगों को पता ही है कितना करप्शन है, जापान में करप्शन बिल्कुल नाके बराबर है। कि आप लोगों को कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। जिसके पास टैलेंट है वो बिल्कुल आगे जाएगा, जिसके पास टैलेंट नहीं है आगे नहीं जा पाएगा। कोई भी यहाँ पे कास्ट के विचार से आगे नहीं जाता। जैसे इंडिया में होता है कि कास्ट के हिसाब से लोगों को फैसिलिटी मिलता है, वैसे जापान में नहीं होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बेशक आगे जाओगे और अपना करियर को बिल्कुल अच्छा कर पाओगे। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है जापान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर आपको कहीं पर भी जाना है, अगर आपके पास बाइक या कार या फिर बाइसाइकिल नहीं है, आप जापान में कहीं पर भी रहोगे, उसके 400 मीटर या फिर 500 मीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर आप जहाँ पर रहोगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के अंदर आपको एक
ट्रेन स्टेशन या फिर एक मेट्रो रेलवे स्टेशन जिसको जापान में बोलते हैं चिकातेत्सु, तो चिकातेत्सु या फिर एक रेलवे स्टेशन आपको ज़रूर दिखने के लिए मिल जाएगा। और आपके घर के पास में बस स्टॉप तो हर एक जगह मिलता ही है, तो जापान में ट्रेन तो बिल्कुल भी लेट नहीं होता और हर 15 मिनट या फिर 25 मिनट में बस आता रहता है। तो बस और ट्रेन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो जापान में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सेफ है, आप लोग बिल्कुल बड़ी आसानी से कई भी जगह पे जा सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आप ऐसा कोई देश में जाना चाहते हो कि जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिले, हेल्थ केयर मिले, तो उस हिसाब से भी जापान वर्ल्ड की टॉप, आई थिंक टॉप 8 कंट्री में जापान का नाम आता है कि जापान का हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग अगर जापान में आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे लाइफ का वैल्यू क्या है। तो हेल्थ केयर जो सिस्टम जापान में बहुत ही बढ़िया है, आप लोग अगर बीमार भी हो जाओ यहाँ पे आके तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही एकदम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। मान लीजिए कि आप अगर कोई भी कंट्री में घूमने के लिए गए या फिर पढ़ाई या फिर कोई भी काम के लिए दूसरी कंट्री में गए और यहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को उस देश की जो सिटीजन है उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगा, तो आप लोगों को कैसा फील होगा? आप तो गेस्ट होके उस देश में जाएंगे ना। तो जापान का मैं बता दूँ, जापानीज लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा तो शायद गलत बोलूँगा, अगर मैं ये टर्म यूज़ करूँगा कि हद से ज़्यादा तो शायद अच्छा रहेगा। जापानीज जो लोग हैं ना ये हद से ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया जापान में तो आप अगर कोई भी जापानीज से आप लोग पूछोगे कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना काम छोड़ के आपको बिल्कुल हेल्प करेगा और जब तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाए तब तक वो लोग हेल्प करेंगे आपको। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफिस का जो काम होता है तो उस काम के बारे में बात करते हैं। इंडिया और बाहर का जितना भी देश है, मैं क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया के बारे में बताऊँगा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मैं इन देशों के लिए इन देशों में कल्चर सेम हूँ। तो अगर आप कोई भी पब्लिक ऑफिस या फिर कोई भी प्राइवेट ऑफिस में आप जाओगे तो आप लोगों को तो पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पे अगर बैंक में जाओगे या फिर कहीं और ऑफिस में जाओगे तो उधर आप लोगों का काम कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं वो लोग, उन लोगों का व्यवहार कैसे होता है, ये तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जापान एक 100% अलग देश है। यहाँ पे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, बैंक में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, आप लोगों का कोई भी पर्सनल काम हो तो ये लोग आप लोगों को भगवान मानेंगे और जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल फील कराएंगे कि आप खुद एक भगवान हो और आप यहाँ पे आए हो और ये लोग जितना जल्दी हो सके आपका वो काम करके देंगे। तो इस हिसाब से जापान एक बहुत ही बढ़िया देश है। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ, जापान एक बहुत ही साफ़ सुथरा देश है। यहाँ पे अगर कितना भी बारिश होता है तो जो रोड वगैरह होता है वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं जमता। जापान का सिटी एरिया और सबअर्बन जो एरिया होता है वहाँ का जो सर्विस एरिया होता है वो पूरा का पूरा कॉन्क्रीट से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रदूषण जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। समुंदर भी बहुत साफ़ सुथरा है, नदियाँ भी बहुत साफ़ सुथरा है, रोड्स वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो साफ़ सफाई के मामले में जापान तो एक नंबर है, इस बारे में कोई दुविधा ही नहीं है। जापानी फूड टेस्टी होने के साथ साथ हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जापान का जो एवरेज एज है वो भी ज़्यादा है, तो अगर फूड अच्छा होगा और वेदर जो है वो अच्छा होगा तभी ना यहाँ का जो एवरेज जो एज है वो ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आप लोग बाहर आने की सोच रहे हो तो जापान को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। आप जापान में कहीं भी आके रह सकते हो और आपकी जो एरिया है उस एरिया की 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर एक हाइपर मॉल आपको ज़रूर मिल जाएगा देखने के लिए। और उस हाइपर मॉल में आप लोग कुछ भी आप लोगों को चाहिए वो आप लोग बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। जापान की रोड्स में जितना भी गाड़ी चलते हैं वो भी वहाँ पर आपको बिल्कुल हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। हमारे देश में कई रास्ते में गाड़ी आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे गाड़ी से बिल्कुल काला धुआं निकल रहा है, वैसा जापान में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों को एक भी ऐसा कार नहीं मिलेगा जिस कार से आप लोगों को बिल्कुल जैसे काला धुआं निकल रहा है, ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो समय की कमी की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, तो शायद किसी और वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले बुधवार को नए किसी वीडियो के साथ, नए कोई चीज़ के साथ।
तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ साफ सुथरे रहिए। टेक केयर, बाय बाय।